इसी के साथ इसे अंदर करवा देते हैं। जो तरीन जितना भी तारीफ किया जाए कम है पीछे का बनावट। आइए चल चल। अस्सलाम वालेकुम, आज एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ आपका ये चीनापुकुर भाई भाई डेयरी फार्म, चीनापुकुर भाई भाई डेयरी फार्म। ये सातुली से लगभग 5 किलोमीटर अंदर है, सातुली से आगे 2 किलोमीटर आगे एक आपका कोचुआ बाज़ार आता है। कोचुआ बाज़ार से कुछ 500 मीटर के बाद लेफ्ट एक रास्ता गया, उसी के अंदर 2 किलोमीटर में एक भाई भाई डेयरी फार्म है। ये देखिए भाई भाई डेयरी फार्म नंबर दिया हुआ है ओनर का, कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। तो यहाँ लगभग समझ लिए पार्क सर्कस एरिया से 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जिन भाइयों को यहाँ का अगर लोकेशन जानना है तो रमज़ान के महीने में मैंने अंकल कैटल फार्म का पूरा रूट गाइड किया था भोजरहाट से, वो देख करके आप फॉलो कर सकते हैं। अंकल कैटल फार्म से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है ये, और बेस्ट आप रूट रहेगा। आप लोग अगर पार्क सर्कस खिदिरपुर राजा बाज़ार एरिया से आ रहे हैं तो आप लोग का लिए बेस्ट रूट रहेगा न्यूटाउन से। न्यूटाउन से आएंगे तो थोड़ा नज़दीक होगा, ईजी पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ का कलेक्शन दिखाते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए माशाल्लाह पहला ही गाय प्रिंटेड, एक ये भी गाय है। प्रिंटेड बाछी तो एटा, ये देखिए प्रिंटेड बाछी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन कलर, बहुत ही खूबसूरत। जितनी भी तारीफ किया जाए कम, ये पहला ही गाय बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। एक मिनट दाना नहीं खान, थोड़ा सा बाहर घुमाइए एक बार। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत बेहतरीन, कोई कमी नहीं इसमें, सिर्फ ज़रा सा पुट और रहता ना तो मज़ा आ जाता माशाल्लाह। पुट ज़रा सा, कौन सा नस्ल का है दादा ये वाला बता पाएंगे आप? हा? कौन सा नस्ल का है, ब्रीड कौन सा है? क्रॉस जर्सी क्या है ये? खैर भाई ठीक से, हाँ छापा भाई ठीक से बता नहीं पा रहे, देख लिए एकदम बाछी गाय है, कोई बयान नहीं, एकदम देख कर ही समझ में आ रहा है माशाल्लाह। जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, बहुत बेहतरीन, यहाँ का क्राउड कूलर है समझ लीजिए। बस एक मिनट इसी के साथ इसे अंदर करवा देते हैं। जो भी भाई को पसंद आ रहा है, मुझे तो लगता है सभी को पसंद आएगा। जो भी भाई को ये बाछी पसंद आया है ये खटाल ज़रूर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनर का नंबर भी दे दिया है और अंकल कैटल फार्म वाला भी वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग उसे भी ज़रूर चेक कर लें। हाँ माशाल्लाह कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक प्रिंटेड बॉनी भी है, गोल मटोल बहुत ही बेहतरीन। इसे बाहर निकाल कर एक बार देखेंगे कैसे लग रही है। ये देखिए यहाँ का एक गाय बैल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एकदम गाय की तरह पंजाब बैल, बहुत ही तगड़ा। तो धोखा खा गया था मैं, समझा गाय है ये, यहाँ का ये मीडियम साइज का गाय, छोटा है ये वाला, वो वाला मीडियम। ये दोनों को निकालिए ना, बाहर निकालू ना। ये देखिए कैसे कर रहा है, ये बाहर निकलने के लिए परेशान है। ये जर्सी गाय है, बहुत ही भारी है ये वाला। एक ये गाय भाई तो कह रहे ये बाछी है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, क्या पता भाई का कहना ये वाला बाछी है। ये देखिए ये एक जर्सी गाय, ये वाली गाय, ये सबको बाहर निकाल करके दिखाएंगे। यहाँ एक बैल, एक और पंजाब बैल, साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका। और ये वाली देखिए बेहतरीन, क्या कलर है भाई, क्या प्रिंटेड है, बहुत ही खूबसूरत।
इसका प्रिंट देखिए माशाल्लाह, एकदम शाइन कर रहा है, चम चम। बेहतरीन बेहतरीन, सिर्फ इसकी कमी है इसमें। देखिए नाराज हो रही है। ये मुद्दे बाछी कौन था? इड़ा बाछी आचे? चलिए भाई साहब का कहना ये वाली बाछी है, इसे भी बाहर निकलवाते हैं, अब देखते हैं कैसा लग रही है। देखिए बाछी बाहर आ रही है, बहुत ही तगड़ा है माशाल्लाह। आ जाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बाहर आ गई। आगे पीछे पूरा एक लेवल, एकदम पीछे का बनावट माशाल्लाह इसका बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, जितना भी तारीफ किया जाए कम है पीछे का बनावट। अगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, ये वाइट रहती ना ये पाछी, तो मतलब क्या ही लगती, क्या बताऊँ मैं। पीछे का बनावट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइज देखिए इसका भूरा कलर का, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बयान नहीं ना इसका, बाछी एकदम बाछी भाई, थोड़ा सिंग जरा सा बड़ा हो गया इसीलिए मैं धोखा खा रहा था। माशाल्लाह। प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनर का नंबर दे दिया है, उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और जिन भाइयों को यहाँ का रूट समझना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अंकल कैटल फार्म वाला ब्लॉग का लिंक दे दिया है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। मैंने बोजरहाट से वहाँ तक का रूट बनाया था, फिर अंकल कैटल फार्म सातुली में है, सातुली से लगभग 2 किलोमीटर आगे कोचपुर आएगा, फिर उसके बाद सोनपुर आएगा, सोनपुर से लेफ्ट एक रास्ता गया मदरसा खटाल, आप किसी को भी बोलिए 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में वहाँ से मदरसा खटाल बोलिए। भाई भाई डेयरी फार्म नाम है ऐसे, ये देखिए भाई भाई डेयरी फार्म एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बंगला में लिखा हुआ है। ऐसे मदरसा खटाल भी बोलने से आप पहुँच जाएंगे, ये वाला पीछे मदरसा है, मदरसा के ठीक एकदम बाजू में ही, बगल में ही है ये वाला खटाल, ठीक है। अब चलिए दूसरा एक निकलवाते हैं, इसको अंदर ले जाइएगा पहले, अंदर कर दीजिएगा इसको, पहले कर दीजिए, ले जाइए, करवा देते हैं। देखिए 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 कैसे धड़पड़ा के भागी अंदर, देखिए 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 दौड़ गई पूरा अपना जगह में जाने के लिए। आस्ते आस्ते देखिए, आस्ते इसी में चोट लगा लेती है ये लोग खुद को, हड़बड़ा हट कर में, देखिए 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 कैसे हड़बड़ हड़बड़ करके अपना जगह में, बाप रे ये देखिए देखिए कौन पकड़ ली। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। वाइट रहता ना भाई, क्या बताएं, क्या ही हो जाती है। के बाद मैंने भाई को ये वाला निकालने को कहा लाल मुंडी, तो चलिए अब लाल मुंडी की बारी आई है, इसे बाहर निकाल करके देखते हैं। वजन तो माशाल्लाह इसका बहुत ही हेवी है, बहुत तगड़ा है, बहुत चौड़ाई है इसका, बाहर निकाल करके पूरा सही से दिखाते हैं आप लोगों को। इसे एक बार फिर से देखिए, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। लाल मुंडी यहाँ, उसके साथ ये वाला बाछी तो निकाल के दिखा दी, ये वाली गाय, वो वाली गाय,
ये देख। देखिए लाल मुंडी अजी, देखिए लेंथ भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, आगे पीछे सब तरफ एकदम गोल गोल मटोल, दाना दाना एक जगह दाना, सामने जा रहे मुझे देखकर भाग रही है, बेदे दी ना एक जगह बांधी दे दे, देखिए देखिए भागी भागी अपने जगह भागी, ये देखिए फिर से वापस अपने जगह चले गई है। এটা বের করবেন না না বস এটা চলিয়ে ইসকো উতনাই দিখা পায়ে অভি অন্দর সে একবার আপকো আগে পিছে সে আচ্ছে তরিকে সে দিখা দেঙ্গে অব ইয়ে ইসকো ভি একবার নিকাল করকে দিখাতে হ্যায় দিখাতে হ্যায় ভিডিও মে মেরে সাথ বনে রহে वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल में मेरे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें कैसे छटपट कर रही है शाइनिंग माशाल्लाह लाल मुंडी, ये एक गाय है, इसका बनावट तो देख करके मुझे मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन गुलाई, बहुत ही बेहतरीन गुलाई। एक ये वाला गाय को अंदर ही से दिखा देते हैं, भाई और निकालने के लिए रेडी नहीं है, देखिए इसको ये देखिए, ये मीडियम साइज़ की गोल मटोल एक ब्यान की गाय होगी, चलिए पीछे से कवर करेंगे हम, ये देखिए ये बाहर निकलने के लिए धड़पड़ा रही है, दौड़ रही है, देखिए चल आराम से चल। बहुत बेहतरीन कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका, भूरा कलर का है, ये देखिए जो भी भाई का पसंद आ रहा है ज़रूर विजिट करें ये खटाल, डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनर का नंबर दे दिया है, बैनर में भी नंबर है, आप लोग ज़रूर विजिट करें, आ देते हैं कर दीजिए अंदर कर दीजिए, ये देखिए दौड़ने के लिए एकदम रेडी है, ये आइए इस तरफ बढ़ते हैं, ये तीन गाय भी बाहर जो बंधा हुआ है इसी फार्म का है, इसी खटाल का है, ये वाला गाय का साइज़ बहुत अच्छा है लेकिन बदन अच्छा ही है मीडियम जिनको जैसा चाहिए, ये छोटा सा में वाइट खूबसूरत, ये मीडियम माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत गाय है मीडियम साइज़ की, ये देखिए 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 सामने जाने से सब डर रही है, देखिए भी गाय है छोटी सी गाय है ये, जो भी भाई बहुत से भाई का डिमांड था मीडियम साइज़ का गाय कहाँ अवेलेबल है कम रेंज का कहाँ अवेलेबल है, तो ये सब मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस होगा, आप लोग ज़रूर आ जाएं जिनका कम बजट है, देख लीजिए इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा में है, हाइट उससे थोड़ा बड़ा है, ये देखिए ताई, अब खटाल की तरफ फिर से बढ़ते हैं, ये देखिए कैसे छटपट कर रही है, ये वाला बैल बैल भी माशाल्लाह ये मुझे बहुत पसंद है, एक ये गाय है यहाँ एटा बाछी, देखिए अच्छी खूबसूरत है लेकिन थोड़ा पतला दुबला है, हाइट उठ अच्छा है,
लाख चलाती है, अभी चला चुकी मुझ पर। ऐ देखिए फिर मोबाइल चलाया मैं उसको। ये देखिए बॉनी को भी बाहर निकाल दिए हैं, प्रिंटेड बॉनी। जो भी भाई को पसंद आ रहा है, डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनर का नंबर दे दिया है, ओनर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अंदर कर रहे हैं, देखिए देखिए कैसे धड़पड़ करके जा रही है अंदर। ये देखिए ये देखिए ये देखिए या बुढ़ा बैल पंजाब बैल के खासियत है कि आदमी गाय और बैल में कैसे हो जाता है, एकदम सेम लगती है। ये देखिए माशाल्लाह तो काफी बड़ा है, अंदर उतना समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए बाहर निकल के तो साइज माशाल्लाह बहुत परफेक्ट समझ में आ रहा है, अंदर वैसा साइज नहीं समझ में आ रहा था। ये देखिए फुल वाइट पंजाब बैल। हाँ चलिए इसे भी अंदर करते हैं अब बैल को। हाँ ये देखिए साइज देखिए माशाल्लाह एकदम जवान बैल है ये। चल चल चलिए इसे अंदर कर रहे हैं। ये देखिए चल ये देखिए ये भी दौड़ने के लिए रेडी है। आ गया पन्नी, एक बार इसे फिर देखिए माशाल्लाह यहाँ का बेस्ट। ये रहा यहाँ का कलेक्शन, ये गाय, ये बाछी, ये गाय, ये कुंडी गाय, ये पंजाब बैल, ये एक प्रिंटेड बाछी, समझ लिए वैरायटीज पूरा है। थोड़ा सा थोड़ा कलेक्शन है लेकिन मीडियम बड़ा बाछी छोटा बैल बॉनी सब मिल जाएगा यहाँ। आज का यहाँ का आखिरी गाय भी बाहर आ चुका है, इसे ही बार टोपी गिर गया आपका। ये देखिए मीडियम हाइट में है लेकिन एकदम गोल मटोल, आगे पीछे एक लेवल। देखिए देखिए ये देखिए कैसे कैसे छटपट छटपट कर गेट गेट बन जा भागे अपना जगह में वापस। ये देखिए एकदम गोल है ये भी माशाल्लाह, आगे पीछे एक लेवल, वापस अपने जगह में चले जा रही है। सब अपने जगह में चले गए। फिर से कह दे रहा हूँ वो वाला देखिए पंजाब बैल, ये गाय, ये बाछी, ये गाय, एक मुंडी, ये वाला पंजाब बैल, ये प्रिंटेड बाछी, सबको बाहर निकाल करके मैंने दिखा दिया है। आई होप है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का ये पसंद आया होगा। ये देखिए ये बाछी पतला दुबला है लेकिन अच्छा है, हाइट अच्छा है, थोड़ा वज़न उतना नहीं है, खूबसूरत बाछी है। लेकिन जो भी भाई को समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है ये खटाल ज़रूर विज़िट करें, पूरा डिटेल्स मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये मेरा वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।